Yes. GORGEOUS. Gorgeous. मतलब जैसे करिश्मा कपूर सुंदर. हाँ बाबा तू वही समझ ले. रिंकी योर चांस. पास. मेरी बार. R-I-C-E. राइस. क्या यार कौन सी. एटलीस्ट यहाँ तो कुछ और सोच. सुनो भाई बहनों, मेरे पेट में जो भी बात आती है वो मेरे दिमाग में आ जाती है और वो मैं कह देता हूँ. चुप बैठ यार पॉन्ची. पॉन्ची खाना गेम के बाद ही मिलेगा. तानिया, यू से कोई अच्छा वर्ड बताओ ना. यू से? हाँ, यूजलेस. क्या यार रिंकी, ये वर्ड तो कॉमन है. तानिया की तरह सोचो, कुछ नए नए वर्ड, अपना दिमाग यूज करो. इससे वोकैबुलरी बढ़ती है. जैसे मैं हंगरी हूँ, वैसे स्टार्विंग कहो तो. पॉन्ची तुम चुप बैठ यार. गिली बस हो गया गेम. तुम्हें नहीं आता इसलिए ना. तानिया यू से कोई अच्छा सा वर्ड बताओ ना. यू से अनकॉन्शियस. वाओ तानिया यू आर ग्रेट. ई से एम्प्टी. पॉन्ची चलो चलो बस हो गया, मुझे बोर हो रहा है. तो चुप रहे रिंकी. तानिया मुझे कुछ वर्ड बताओ. बेचारे को भूख लगी है. पॉन्ची मैं तेरे खाना लेके आती हूँ. देखा वो कितनी अच्छी है. She is so mature. मैं उसकी हेल्प करता हूँ. देखा देखा मुझसे तो हमेशा लड़ती रहती है और इसे कहते हैं मैच्योरिटी. लेकिन सरजी को तो तानिया बहुत अच्छी लगती है. सच? हाँ सरजी को उसकी सारी बातें, होशियारी, समझदारी बहुत अच्छी लगती है. हाँ, she is so sweet. Thank you, Tanya. My pleasure. Shut up. अब इसे क्या हो गया? कुछ क्या हो? Yes. आ गए. Hi, Rinky. Hi, friends. Welcome. आओ. पॉन्ची, ये लो गोली. रिंकी, यू आर सिंपली ग्रेट. थैंक यू पॉन्ची. कैसे हो गोल्डी? पॉन्ची, ये रिंकी है ना? क्यों? ये इतनी प्यार से बातें कर रही है. डोंट वरी गोल्डी, मैं रिंकी ही हूँ. मैं तो मजाक कर रहा था. वाह पॉन्ची, तुम्हें कितनी अच्छी डकार आती है. और ऐसी आवाज निकालू? नो नो, इट्स ओके. ये लो. ए गोल्डी उधर खिसक. एक बात बताओ पॉन्ची गोल्डी, क्या सचमुच गिल्ली को तानिया पसंद है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, वो तो सिर्फ इंप्रेस्ड है. शा, रिंकी नाराज मत हो, गिल्ली तुम्हें भी पसंद करता है. सच? ये लो. और तुम तो सुंदर भी हो. और सिर्फ तानिया की तरह इंटेलिजेंट बन जा. रिंकी मेरा गला सूख रहा है, कुछ पीने के लिए है? अरे अभी तो पिया ना. डोंट वरी गोल्डी, इट्स ओके. ए तू चुप रे ना. रिंकी यू आर इंटेलिजेंट. ओ थैंक यू पॉन्ची. लेकिन एक बात बताओ, ये तानिया इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है? उसके पास एक डायरी है, उसमें उसका सीक्रेट होगा. ओके, तानिया की डायरी. हाँ तानिया की डायरी. ओके गोल्डी पॉन्ची, बाय. मेरा काम हो गया, अब तुम लोग जाओ. एक बात बताओ, अपनी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? ओफो, इस डायरी का तो कुछ करना ही पड़ेगा. क्या? Yes.
जंगल बुक रेडी और किपलिंग की कहानी। आज स्क्रैबल खेलते समय गिल्ली मुझसे बहुत खुश था। गिल्ली, न्यूज़पेपर में जो बुक्स फेयर की एड है उसे देखने जाना है, मैं भी जाऊंगी। ओके। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। चड्डी पहन के फूल खिला है। अरे गिल्ली, ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, भंगार में बेच दो इसे। अंकल सच्ची, इस बार हमने कुछ नहीं किया है। अंकल आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ए, ए, क्या कर रहा है? ला 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 ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला, यहाँ 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 यहाँ। मेरे पास दूसरा भी है, इससे नारियल कटता है। हाँ क्यों? नायर आंटी के बगीचे में ये नारियल गिरा था और मैंने उसे ले लिया है। ए, तुम सब बच्चे दिन ब दिन बहुत डेंजरस होते जा रहे हो। धन्ना अंकल, आप सोचिए ना कि ये डायरी को रिंकी से कैसे जुदा किया जाए। अंकल जल्दी सोचिए, ऐसी हालत में इससे शादी कौन करेगा? गोल्डी के बच्चे चुप बैठ। रिंकी, ये सब करने के लिए तुझे किसने कहा? ये सब गोल्डी और पोंची की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि तान्या की डायरी पढ़ और इंटेलिजेंट बन जा। देखो रिंकी, तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। अंकल मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है अभी? रिंकी तुम तान्या के घर हमेशा के लिए जाओ। क्यों? क्योंकि तान्या को डायरी जो लिखनी होगी। गोल्डी तू चुप बैठ यार। धन्ना अंकल आप हमारी हेल्प कीजिए ना। अरे वही तो कर रहा हूँ ना। लाओ रिंकी, हाथ लाओ तुम्हारा। देखो धन्ना अंकल, एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? पानी से कुछ नहीं होगा, साबुन भी चाहिए। किस लिए? जब मेरे मॉम के फिंगर में अंगूठी अटक जाती है ना, तब वो साबुन लगा के ही निकालती है। गोल्डी जल्दी से साबुन लेके आओ। ओके। लेकिन गिल्ली, पानी से डायरी खराब हो जाएगी। वाह रिंकी, डायरी चिपक गई तो इतना फर्क। अगर तुम इसे पढ़ लेती ना तो तुम जरूर साइंटिस्ट बन जाती। ए, 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 काम कर दे, डायरी को ना प्लास्टिक का कैरी बैग लगा दे। अरे नहीं सॉरी 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 सॉरी। ये लो सर जी। अरे ये क्या है? ये देखो। कहाँ हूँ? पृथ्वी पर हो, लेकिन इसके बाद पाताल में जाओगे। चलो वही सही। हाँ, यहाँ रहने से अच्छा है कि हम लोग किसी स्विमिंग पूल में जाकर रहे। हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, वहाँ कम से कम बच्चे तो नहीं आएंगे। ये घर का हाल क्या बना रखा है तुमने? देखो शालू, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन तुम थे ना घर में। मेरा इस घर में कुछ चलता है क्या? ये सब साफ करने के लिए घर के सारे कपड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तुम्हारे शर्ट्स और मेरी साड़ियाँ भी। शालू, I am extremely sorry. Sorry बोल दिया? हो गया। हो गया? क्या हो गया? तुम्हें सजा मिलेगी, ये सब तुम्हें साफ करना पड़ेगा। एक काम करो, एक बोट लेकर आओ घर में घूमने के लिए। शालू चलो प्लीज। क्या प्लीज? उठो 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 उठो, साफ करो, चलो उठो। मैं उठू? हाँ। कोशिश करता हूँ। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या है? ये देखो ऐसे क्या करूं? Thank you.
मैंने हजार बार कहा मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। मेरा कमरा मेस्ड अप है तो है, मेरा है जैसे कोई मिनिस्टर आने वाला इंस्पेक्शन के लिए। मैं तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी मेरी डायरी। मामा मेरी डायरी कहाँ है? मामा वेरी गुड, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? सीधा को उल्टा कर देंगे। गेट आउट, गेट आउट। पंची मजाक नहीं, अंकल इज सीरियस। सॉरी। देखो रिंकी के प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। नहीं करेंगे। वी स्वेर, वी स्वेर, वी स्वेर। अंकल तीन बार क्यों? आगे का सेंटेंस नहीं आता रहा इसलिए। शट अप। वी स्वेर। वेरी गुड, ओके। विश्राम, आराम से। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। मैं रिंकी को पकड़ता हूँ, तुम लोग डायरी खींचो, ठीक है? आओ रिंकी, आओ। ठहरो ठहरो, मैं बोलूंगा। हाँ खींचो, जोर लगा के। अरे जोर लगा के। अरे जोर लगा के। अरे कुछ नहीं होता, छोड़ो छोड़ो। भागो, तुम ना भागे, भाग जाओ। अरे एक 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 मिनट भागने की कोई जरूरत नहीं। देखो इट वॉज माई मिस्टेक, मैंने गलत वक्त पर गलत बात कही। आई एम सॉरी। इट्स ओके, डोंट रिपीट इट। ठीक है ठीक है, हम कोई और सोचते हैं। इम्पॉसिबल, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो अंदर जा, फ्रिज में पिछले महीने का सैंडविच रखा है। थैंक यू। रुको रुको, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। अंकल आपके खातिर, वरना कोई और होता तो। अरे नहीं 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 नहीं, थैंक यू वेरी मच। अंकल जल्दी कुछ कीजिए, अगर तानिया आ गई तो। आइडिया। पहले आइडिया तो सुनो सुनो। जैसे लोहा लोहे को काटता है। मैं पहले ही कह रहा था इसका हाथ काट डालो। चुप रे, सुनो तो सही। जैसे लोहा लोहे को काटता है। अंकल जो भी काटना है वो जल्दी काटिए। हाँ हाँ। जैसे जहर जहर को खत्म करता है। वेरी गुड। वैसे चिपको गम से ही चिपको गन निकलेगा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। जाओ चिपको गम ले आओ। मेरे घर में नहीं है, अपने अपने घर जाओ, लेकर आओ, जाओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे रखो। क्या कर रहे हो अंकल? ऐसे नहीं, ऐसे। अंकल हम लोग चिपके हुए कागज को ऐसे ही छुड़ाते। अरे इंसान और कागज में फर्क है कि नहीं? पहुंची डाल दो गम। अरे 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 क्या कर रहे हो, नहला रहे हो क्या उसे? अंकल मैं गम गलत कर रहा हूँ। अच्छा चलो निकालो निकालो। रिंकी मैं डायरी पकड़ता हूँ। शाबाश, खींचो। अरे 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 हंसो मत, हंसना नहीं। चलो उठो उठो बेटा उठो। शाबाश शाबाश। रिंकी अब तुम्हें इस बात की मुझे पार्टी देनी होगी। पता मैं कितना परेशान था? तूने क्या किया रे मोटे? गोल्डी ये डायरी पकड़ो, हम लोग चुपके से तानिया के घर में रख के आएंगे। देखो लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ थैंक यू अंकल। अरे यू आर वेलकम बेटा, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। चलो फ्रेंड्स जाओ, बाय बाय। जाओ जाओ चलो, जान छूट गई। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अंकल वहां तानिया आ रही है। तानिया आ रही है, अब क्या किया जाए? अंकल जल्दी चुप जाते हैं। लेकिन क्यों और कहां? गोल्डी अब मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, जल्दी चुप जाते हैं। चलो चलो चुप जाओ चुप जाओ जल्दी। डंडा अंकल, आंटी, गिल्ली, कहाँ गए सब लोग? अच्छा हुआ हम लोग ने डायरी टाइम पे छुपा ली। थैंक गॉड। सर जी
थैंक गॉड कहने का वक्त अभी तक आया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको डायरी के बारे में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? डायरी तो तेरे पास। गोल्डी तूने डायरी कहाँ रख दी? सामने टेबल पर। ओह नो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ चश्मिश को वो डायरी नहीं दिखेगी। कैसे नहीं दिखेगी? कैसे नहीं दिखेगी? कैसे नहीं दिखेगी? क्या वो चश्मिश है, अंधी नहीं है? समझ में आया बुद्धू? पंछी मुझे मार मत वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। हाँ तो मुझे मारेगा? अच्छा हाँ मैं तुझे मारूंगा। कमाल है, ऊपर भी नहीं है। अरे पॉन्ची स्टूपिड तो तुम हो। गोल्डी मियां तो गोल्डी मियां, पॉन्ची मियां भी सुभान अल्लाह। मेरी डायरी यहाँ कैसे आई? रिंकी के हाथ को चिपक गई थी। रिंकी, हाउ डे यू? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और आप लोग भी, मैं पागलों की तरह डायरी ढूंढ रही थी, आपको पता है? और आप लोग देखो देखो तानिया तानिया। रिंकी देखो तुम्हारी गलती है, जाओ माफी मांगो जाओ। अंकल चलिए डंडा अंकल, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। थैंक यू डंडा अंकल, गिव मी अ फाइव। क्या देख रही हो? पानी चाहिए? ताने इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? नहीं, जब कोई घर पे आए तो उसे ऐसे पूछना चाहिए। तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट बनना चाहती थी। जो इम्पॉसिबल है तुम वैसा क्यों करना चाहती थी? तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज तनु दीदी प्लीज। व्हाट? प्लीज तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो। तानिया मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपना आइडियल माना है। क्या तुम अपनी छोटी सी नन्ही सी नादान सी ऐसी वैसी बहन सी बहन को माफ नहीं करोगी? प्लीज तानिया मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे अरे रोते नहीं, उठो उठो चलो। रोना मत, गुड गर्ल, आंसू पोंछो, चलो गुड गर्ल। ओके अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। थैंक यू। वाह क्या सीन है, ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं तानिया, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। अरे ये क्या हुआ, तुमने हाथ में गन लगाया था? हाँ डंडा अंकल ने लगाया था डायरी छुड़ाने के लिए। ओफो, हाथ धोकर नहीं आ सकती थी? स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड। वेट फॉर 2 मिनट्स, गोल्डी पॉन्ची कुछ करो। पॉन्ची हम दोनों इन दोनों को खींचते। नहीं मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो मेरे पेट में है वो हजम हो जाएगा। ओफो हम डंडा अंकल के पास चलते हैं। नहीं नहीं डंडा अंकल ने कहा था मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके मत आना। वो तो सब कहने की बात है, चलो चलो। नहीं हम नहीं आएंगे। क्यों? हमने कसम खाई है। ठीक है तो तुम लोग यही रुको और चलो, भागना मत ओके? ठीक है ठीक है। सॉरी बोला इसका मतलब ये नहीं, कुछ भी बोलो। शट अप, चलो। डंडा अंकल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ पता है मुझे, फिर भी आप मुझे ही बदनाम करेंगे। अरे कहा ना नहीं करूंगा, पहले इसका क्या करेंगे वो तो सोचो। अंकल एक बात बताइए, हम दोनों में से सीनियर कौन है? मैं हूँ। तो फिर प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? मैं करूँगा। तो फिर कीजिए ना अंकल, अंकल मेरा होमवर्क तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। गिल्ली वही नुस्खा आजमाते हैं। हाँ चलिए चलो। अरे ये क्या हुआ? चिपको गम। चिपका है कुछ भी हमेशा के लिए। ओह माय।